इंटरेस्ट आने वाला है आज की क्लास के अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो यहाँ पे फीवर है उज्जवल को, इसलिए उज्जवल क्लास नहीं ले पा रहा। कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। खुशी हमारे साथ आ गई है। खुशी, क्या बात है बेटा? खुशी, अकाउंटेंसी की क्लास के अंदर बेटा आपका स्वागत है। आप कैसे हो पहले तो ये बताओ। सब बढ़िया? खुशी का लेफ्ट भी हो गया भाई, ज्वाइन करते ही लेफ्ट हो गया भाई साहब। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहता है ऑनलाइन क्लास। चलो, तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं उनको बता दूं बेटा, रिकॉर्डेड क्लास तभी मिलेंगी जब आप लोग क्या करोगे, होमवर्क कंप्लीट करके दोगे टाइम। आज की क्लास में जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, आज की क्लास में जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, कल सुबह 8 बजे से पहले पहले, 8 बजे से पहले पहले व्हाट्सएप आ जाना चाहिए कल सुबह। अब माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, पर आप लोग कसम खाओ, प्रॉमिस करो कि कल सुबह 8 बजे से पहले पहले आप सारे क्वेश्चन जो आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन कल सुबह 8 बजे से पहले पहले आप लोग ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप कर दो। हाँ जी, प्रॉमिस करो। कौन कौन बच्चा देखते हैं, प्रॉमिस कर रहा है, किसमें कितना है दम? हाँ जी, देखते हैं हमारी क्लास में कौन कौन बच्चा है प्रॉमिस करा। आकाश भाई, तुम्हारी प्रॉमिस तो ऐसे ही होती है। तुमने कल भी बोला था, कल भी तुमने बोला था, ठीक है। आकाश कह रहा है यस सर नो सर। ये क्या है भाई, यस सर नो सर क्या होता है भाई? ये चैट बॉक्स में तुम लिखते क्या हो भाई? ये चैट बॉक्स में देखो तुम क्या लिखते हो। तुमने पहले लिखा यस सर, फिर तुम लिख रहे हो नो सर। ये क्या ड्रामा है भाई? तुम मुझे ये बताओ, प्रॉमिस कर रहे हो तुम, क्वेश्चन करके दे दोगे, ये यस सर नो सर क्या होता है भाई? यस सर प्रॉमिस, वेरी गुड, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। पंच वंशिका बेटा, आपका भी स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में, बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये एक नालायक आकाश जिसने प्रॉमिस किया है, बाकी सारे बच्चे जो है वो प्रॉमिस ही नहीं कर रहे भाई। दीपांशु क्या हो गया बेटा, प्रॉमिस करो कि सर आज आप जितने क्वेश्चन आज की क्लास में प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप करूंगा, प्रॉमिस करो। कोई बात नहीं वंशिका, कोई बात नहीं बेटे। अब दीपांशु ने प्रॉमिस कर दिया भाई, नाम लेना पड़ेगा क्या? बराती हो क्या खुशी? बराती हो तुम लोग शादी के अंदर, तुम्हारा नाम लेना पड़ेगा, तुम करोगे नहीं करोगे? आर्यन बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास के अंदर अकाउंटेंसी की। और यहाँ पे आज हमारी जो क्लास है बेटा, प्रैक्टिस क्लास है, तो इस प्रैक्टिस क्लास के अंदर हम लोग बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं टीएस के, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करके देने कल सुबह 8 बजे से पहले पहले। तो यहाँ पे जो प्रॉमिस किया है आकाश ने किया है, प्रियांशु ने किया है, दीपांशु ने प्रॉमिस कर दिया, बाकी बाकी नालायक। हाँ भाई, आप लोग करके भेजोगे या नहीं भेजोगे? कौन कौन बच्चा क्लास ले रहा है, कौन कौन सा बच्चा क्लास ले रहा है भाई? अभ्या, आर्यन, दीपांशु, दीपांशु ने तो बोल दिया, खुशी, प्रियांशु, वंशिका। हाँ भाई, प्रॉमिस करो भाई, ये अनसॉल्व क्वेश्चन है टीएस के, कल सुबह 8 बजे तक मुझे ग्रुप के अंदर सेंड कर दोगे। आर्यन बोल रहा है यस सर, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, ऐसे ही जोश होना चाहिए भाई। बाकी तो ये सारे डरपोक है, ये डरते हैं भाई, इनको ड्यू पीनी चाहिए, डर के आगे जीत है। तुम्हें ड्यू पिलानी पड़ेगी भाई, फिर जाके तुम करोगे क्वेश्चन। ऐसा है क्या, ड्यूप लाने के बाद करोगे तुम क्वेश्चन, या तुम दूध पियोगे, दूध पीने के बाद क्वेश्चन करोगे, या कॉफी पियोगे? तुम क्या पी के भाई क्वेश्चन करके भेजोगे ये बता दो। मैं तो तुम्हें, हाँ जी, आर्यन ने बोल दिया, प्रियांशु ने बोल दिया, दीपांशु ने बोल दिया, आकाश ने बोल दिया, बाकी अभ्या, अभ्या बताओ बेटा,
अब भैया रह गई वंशिका, क्या हुआ बेटा? वंशिका, खुशी, तीनों बच्चे बताओ भाई। जब तक ये बच्चे बताएंगे नहीं आगे कैसे बढ़ेंगे भाई। चलो जी, क्वेश्चन नंबर वन ये कर लिया था हमने ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर वन तो भैया होमवर्क लिखो, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है। अभ्या थैंक यू बेटा। तो जो बच्चा रिकॉर्डर देख रहा है भाई, ये क्वेश्चन नंबर वन के ना ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट तीनों बन जाने चाहिए भाई, तीनों बन जाने चाहिए, पहले ही बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर टू, कि जिस बच्चे का व्हाट्सएप नहीं आएगा ना कहानी खत्म कर देते, वो बच्चा कल की क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा भाई। और कल की ना क्लास लास्ट क्लास है भाई इस चैप्टर की, ये चैप्टर खत्म है भाई कल। तो कल सुबह 8 बजे तक अगर ये व्हाट्सएप नहीं आए ना क्वेश्चन के, वो आप कल की क्लास नहीं ले पाओ, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू ये कर चुके हैं ना ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर टू भाई ये भी होमवर्क है, ऑलरेडी कर चुके। अब ये मत बोलना सर बहुत क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हो, भाई ये पहले भी दे चुका हूं, ठीक है ना? टफ क्वेश्चन नहीं है कोई। उसके बाद ये तो आज बता रहा हूं, आज कल तक आ जानी चाहिए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चार निकालो जी सारे के सारे बच्चे, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चार निकालेंगे। चलो जी हो जाओ। पहले आपको ट्रेडिंग बनाना है, फिर आपको पीएनएल अकाउंट बनाना है। जब आपका आंसर आ जाए, जब आपका आंसर आ जाए तो मुझे बता देना कि सर हमारा ट्रेडिंग का आंसर आ गया, पीएनएल का आंसर आ गया, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा अगर आपको कोई डाउट होगा, ठीक है? और चैट बॉक्स में डन मत लिख देना, करके दिखाना है। और गलती से किसी बच्चे की मीटिंग ये अगर लीव हो जाती है, लेफ्ट हो जाती है, तो भाई तुम ये मान के चलो कि तुम क्लास ले रहे हो, तुम्हें ये क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट्सएप करना है, ठीक है ना? बिल्कुल सीरियस होके क्लास आप लोगों ने नहीं ली है। फाइनल फाइनल स्टेटमेंट की मैंने आपको पहले ही बोला था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, सीरियस होके क्लास ले। आप लोगों ने सीरियसली क्लास नहीं ली, तो अगर किसी बच्चे का लेफ्ट होता है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी उस बच्चे से मुझे क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करके व्हाट्सएप करें। कौन कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन करने लग गया है चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो। अपना माइक ऑन रखो, बीच बीच में मैं आपसे बात करता रहूंगा। कोई डाउट है मैं यहीं पे बैठा हूं अपनी चेयर पे, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आकाश कर रहा है, वेरी गुड। आर्यन कर रहा है, वेरी गुड। और कौन है भाई? वंशिका, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। दीपांशु, ग्रेट। अभ्या क्या हो गया बेटा, आप नहीं कर रहे? खुशी, खुशी का नहीं आया भाई, दो बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए, सो गए क्या ये? उठाओ इनको। अभ्या और खुशी सो गए बेटा, जाग जाओ। अभ्या कर रही है बेटा, करो करो जल्दी करो। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं भाई, तुम लोगों को भी करना है। ये नालायक ट्रेडिंग करते रह जाएंगे बस। ये भैया जो रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है उस बच्चे का भी ट्रेडिंग आ जाना चाहिए था अभी तक। चलो जी, कैपिटल, ड्राइंग, सेल्स, सेल्स आएगी। आर्यन का हो गया, वेरी गुड। सेल्स आएगी बेटा ट्रेडिंग में, परचेस आएगी, ओपनिंग स्टॉक आएगा, रिटर्न आउटवर्ड, आपको पता है परचेस में से माइनस हो, रिटर्न इनवर्ड आएगा, वेजेस आएगी, पावर आएगा, बस कुछ नहीं आना इसके बाद, है ना? उसके बाद नीचे से क्लोजिंग स्टॉक आना है, वेजेस आपको पता है ये प्लस हो जाएगी वेजेस, और जो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस करोगे वेजेस के अंदर, ये आपके पास वेजेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वेजेस? 4,000। तो जो उसमें प्लस करोगे, तो ये 2,400 आप प्लस करोगे, ये आपकी बैलेंस शीट में भी जाएगी, है ना? इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये जो नालायक कर रहे हैं ना, इतना टाइम लगा रहे हैं ये भाई साहब, ये रहा आंसर, इसमें 2 मिनट नहीं लगने थे, 2 मिनट नहीं लगने थे और इसका आंसर आ जाना था, 2 मिनट नहीं लगने थे और इसका आंसर आ जाना था, ये ट्रेडिंग अकाउंट इतनी जल्दी बन जाता। ये बच्चों ने इतना टाइम लगा दिया, समझ में नहीं आ रहा भाई। कितने बच्चे हैं जिनका ये ट्रेडिंग अकाउंट आ गया?
हाँ जी, कितने बच्चे हैं जिनका ये ट्रेडिंग अकाउंट आ गया? आर्यन का आ गया, वेरी गुड भाई। कितना टाइम लगना था इसके अंदर, और इसमें से एक चीज है बस, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस 2400 ये जाएगी भाई बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में जाएगी। आर्यन का क्वेश्चन हो गया, वंशिका, दीपांशु, अभ्या, प्रियांशु, हाँ जी, आकाश भाई जल्दी करो, कितना टाइम थोड़ी ना लगता है तुमसे, ट्रेडिंग नहीं बन रहा, बताओ क्या करोगे? और जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है भाई, कितना टाइम लग रहा है ट्रेडिंग बनने में? आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, कितना टाइम लग रहा है आपको ट्रेडिंग बनने में? हाँ जी जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है ट्रेडिंग बनाने में यार, फोकस करो। मैं यहां पे सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा, ये रेंट आ जाएगा पीएनएल में, सैलरी आ जाएगी भाई, बैंक लोन का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, वो हम निकालेंगे। बाकी बैड डेट्स की क्या एडजस्टमेंट होगी? बैड डेट्स पीएनएल अकाउंट में आएगा डेबिट साइड में, प्रोविजन आएगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में, डेटर के ऊपर 5%, डेटर 20,600 का दिया। अब 20,600 में से तो 600 रुपये माइनस हो जाएंगे ना बैड डेट्स के। आपको मैंने सीक्वेंस भी बताई थी, आप लोगों को मैंने एक सीक्वेंस भी बताई थी कि हमें क्या करना होता है, ठीक है ना? तो मैंने एक सीक्वेंस भी आप लोगों को बता रखी है। बाकी ये कौन कौन बच्चा है भाई, अभी तक क्वेश्चन ही नहीं किया, बताओ यार क्या होगा? अभ्या क्या कर रहे हो बेटा? आकाश पता नहीं क्या कर रहा है, दीपांशु, वंशिका, वंशिका का कोई व्हाट्सएप ही नहीं है भाई, पता नहीं क्या कर रहे हो आप में से। मैं सच बता रहा हूं, कोई बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा भाई घर पे, जितनी मैंने मेहनत करवा दी इसमें, अभी तक आप में से किसी ने पूरे लेक्चर भी नहीं देखे। ऐसे थोड़ी ना होता, आप लेक्चर नहीं देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, चैप्टर आ जाएगा आपको। मैंने पहले ही बोला था, कितने क्वेश्चन बोले थे, 250-300 क्वेश्चन निकालने इसके, मैंने पहले ही बोले थे आप लोग, मैंने तो पहले ही क्लास में बोल दिया था इतने क्वेश्चन निकालोगे तो ये चैप्टर आएगा आप लोगों को, आप लोग माने ही नहीं बात को भाई, पता नहीं क्या कर रहे। यहाँ पे ये देखो जी, अगर मैं इसका पीएनएल अकाउंट बनाऊं, पीएनएल अकाउंट, मैंने यहां से रेंट ले लिया भाई, रेंट लिख लूंगा, रेंट कितना है, ट्वेंटी टू थाउजेंड का रेंट आ गया मेरा। रेंट के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है? ये रही, तो मैं इसे इनर कॉल, मैं क्या करता हूं पता है, मैं एज अ स्टूडेंट जैसे ही मैंने रेंट देखा मैं नीचे देखूंगा भाई, रेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? यस, तो मैं उसको चेक करूंगा। तो रेंट हो गया 22,000, तो ये 22,000 जो मैंने रेंट दिया ये 11 महीने का दिया, इसका मतलब एक महीने का 2,000 रुपये है ना, तो मैं यहां पे ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने पैसे 2,000। आउटर कॉलम में कितना लिखेंगे फिर? 24,000 रुपये आउटर कॉलम में। और बैलेंस शीट जो मैं बनाऊंगा, बैलेंस शीट के अंदर ये आउटस्टैंडिंग रेंट चला जाएगा बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी साइड में 2,000। वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। उसके बाद ये सैलरी आ जाएगा भाई, नीचे देखूंगा सैलरी से रिलेटेड कुछ लिखा है क्या? हाँ जी, नहीं लिखा हुआ, तो सीधे यहां पे सैलरी लिखूंगा 15,000 रुपये आउटर कॉलम, 15,000 रुपये सैलरी आउटर कॉलम, पानी। उसके बाद भाई इंश्योरेंस आ गया, चलो बाद में देखेंगे इंश्योरेंस का क्या कहानी है। ये 8% बैंक लोन लिया हुआ है, मैंने लोन लिया 25,000 रुपये का, मैंने लोन लिया 8% के ब्याज पे, और मैंने लोन कब लिया था? 1 अक्टूबर को मैंने लोन, भाई कितने महीने हो गए, अक्टूबर से लेके 31 मार्च, मेरे ख्याल से 6 महीने हो रहे हैं ना,
6 महीने हो गए भाई। इसका ब्याज कितना हो गया, 6 2 2 4 और 2 0 ये उड़ गए, तो ये इंटरेस्ट मेरे ख्याल से 1000 रुपए इंटरेस्ट आ गया है ना। अब कहीं पे भी नहीं लिखा कि मेरे को मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो इसका मतलब सारा का सारा इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1000 रुपए लिख के, और यही बैलेंस शीट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, मतलब कि मुझे अभी लोन के ऊपर 1000 रुपए इंटरेस्ट पे करना है। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा, हम्बल रिक्वेस्ट, अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये चैप्टर आएगा, अदरवाइज ये चैप्टर नहीं आएगा। आप मजे ले, पेपर आपके मजे लेगा। सही कह रहे हो सर, मैं करूंगा, ठीक है भाई। उसके बाद डेटर की कहानी आ गई भाई, बैलेंस शीट में लिखेंगे डेटर, कितने का डेटर है भाई, 20,600 रुपए। अब ये 20,600 रुपए का आपने डेटर लिखा, सबसे पहले बैड डेट्स माइनस करो इसमें से, 600 रुपए के बैड डेट्स माइनस करो, ये 20,000 रुपए हो जाएंगे। 20,000 के ऊपर 5%, तो 20,000 का 5% कितना आएगा, मेरे ख्याल से 1000 रुपए आएगा, है ना। 20,000 का 5% 1000 रुपए आएगा, तो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाना है, 1000 रुपए आपको बनाना है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैं ये लिखा हुआ मिटा रहा हूं, ठीक है ना, ये मान के चल रहा हूं, ये मैंने समझा दिया है तो ये आपको समझ में आ गया है भाई, लिखा हुआ तो मैं मिटा रहा हूं। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना था बैड डेट्स, कितने के बैड डेट्स दिए क्वेश्चन में, यहाँ पे दिए कोई बैड डेट्स, यहाँ पे बता रखे, बस एडिशनल में बता रखे ना, तो एडिशनल वाले 600 हो गए, और यहाँ पे लिख लो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000। इन दोनों को जोड़ना नहीं है भाई, ठीक है ना, वो बेवकूफी आप जोड़ के लिख रहे हो। ये प्रोविजन वाला भी हो गया, बैड डेट्स वाला भी हो गया, वेजेस और क्लोजिंग ट्रेडिंग में हो गया था पहले ही। अब इंश्योरेंस प्रीमियम का देख लो, कितना इंश्योरेंस है आपका, 3,600 रुपए आपने पे किया है 31 मई तक, तो भैया ये जो 3,600 रुपए पे किए, 2 महीने का एडवांस पे कर दिया ना, तो 12 3 36 3 2 6 600 रुपए हो गया ना। 600 रुपए आपका जो इंश्योरेंस है वो आपने एडवांस में पे कर दिया, तो ये इंश्योरेंस कहाँ आता है, पीएनएल अकाउंट में। आप लिखो इंश्योरेंस क्या है भाई, ये इंश्योरेंस कितना है, 3,600, जिसमें से आपका प्रीपेड कितना है, 600 रुपए। तो एक्चुअल में खर्चा देखा जाए तो कितना खर्चा हो गया, 3,000 रुपए का खर्चा हो गया। आर्यन क्या कह रहा है, सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं लिखना भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी लिख सकते हो और न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों ही सही है। ये 1000 रुपए अलग से दिखाना है आपको। आर्यन बेटा समझ में आ गया, बाकी भाई लग तो ऐसा रहा है आर्यन अकेले ही क्लास ले रहा है, बाकी सब नालायक यहाँ पे ऑन करके भाग गए। बाकी कोई क्लास ले रहा है भाई, नॉक नॉक, कोई और क्लास ले रहा है आप में से, कोई समझ रहा है इसको, आकाश समझ रहा है भाई, और कौन है भाई जो समझ रहा है, मेरी तो कमर टूट गई भाई तुम्हें समझाते समझाते। दीपांशु समझ रहा है भाई, क्यों दीपांशु आता नहीं था बेटा ये क्वेश्चन, दीपांशु को आता नहीं था क्या, दीपांशु पीएनएल नहीं आया आपको, ये तो भाई टाइम वेस्ट करवा देंगे, एक बार पूछो आता था, आता था तो भाई व्हाट्सएप कहां है तुम्हारा, तुम व्हाट्सएप करो मुझे पता लग जाएगा तुम्हें आता है। अभी आर्यन ने व्हाट्सएप किया तो पता लग गया ना भाई उसको आता है नहीं आता। अभ्या कर देख रही है, वेरी गुड भैया, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, ये प्रोविजन इंश्योरेंस वाला भी हो गया और ये प्रीपेड जो है ये बैलेंस शीट में आएगा भाई, एसेट साइड में, ये 600 रुपए बैलेंस शीट में आएंगे एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। इंश्योरेंस वाला भी हो गया, लोन वाला भी हो गया, और ये डेप्रिसिएशन तो निकाल ही लोगे, है ना, डेप्रिसिएशन तो निकाल ही लोगे भाई। ये बुकिश जो सोल्यूशन होते हैं ना, कहीं वो टीचर भी ऐसे ही होते हैं, उन्होंने खुद भी ऐसी पढ़ाई की तो वो भी ऐसी पढ़ा देते हैं बच्चों को बुकिश, ये ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा यार।
बुकिश वाले काम नहीं चलेंगे। तो ये देखो मैंने आपको सैलरी रेंट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैड डेट्स ये अलग से लिखना है भाई। 1000 रुपए मैंने बता दिया, ये 1600 रुपए ऐसे नहीं लिखना। इंश्योरेंस का मैंने बता दिया, डेप्रिसिएशन हो गया भाई, ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आ जाएगा और ये आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे नेट प्रॉफिट। कितने बच्चों को समझ में आ गया चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो, कितनों को ये समझ में आ गया भाई चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो। अभ्या कह रही है सर आ गया, वेरी वेरी गुड। आर्यन को आ गया, वेरी गुड। अब बेटा बैलेंस शीट तो बहुत ही आसान है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना। दीपांशु बेटा अभी तक व्हाट्सएप नहीं आया, तुमने क्वेश्चन कर लिया है मुझे नहीं पता तुम्हें आता या नहीं आता। बैलेंस शीट एसेट साइड में इस तरीके से मशीनरी आ जाएगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिक्स एसेट करंट एसेट ये लिखने की जरूरत नहीं है। और डेटर की ट्रीटमेंट ये होगी भाई, डेटर इतने के आ जाएंगे। देखो प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया प्रीमियम 600 रुपए, कैश आ गई भाई इधर से, ये कैपिटल नेट प्रॉफिट एड ड्रॉइंग्स लेस 8% बैंक लोन, ये आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, अलग से भी लिख के दिखा सकते हो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट साथ में दिखा दो तो भी बढ़िया है, अलग दिखाओ तो भी बढ़िया। उसके बाद ये लायबिलिटी आ गई, कहानी खत्म। वंशिका कहां गई भाई? वंशिका बेटा आया या नहीं आया चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ। तो यहां पे लाइव चैट मैं ऑन करने जा रहा हूं और प्लीज मुझे जल्दी से बता दो सारे बच्चे, एक बार फुल और फाइनल लिखो। अभ्या, आर्यन, आकाश, दीपांशु, वंशिका, बेटा चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ समझ में आर्यन को आया, वेरी वेरी गुड। आर्यन को समझ में आ गया, इसीलिए मैंने पहले ही बोला था अगर गलती से किसी बच्चे का लेफ्ट हो जाता है तो भाई उस बच्चे को भी ये क्वेश्चन करके भेजना है मुझे, वो बच्चा भी मुझे व्हाट्सएप करेगा। दीपांशु को भी आ गया, वेरी गुड। और भाई दीपांशु तुमसे तो रिक्वेस्ट है भाई मेरी, वरना तुम्हारे घर आना पड़ेगा भाई मुझे कॉपी देखने के लिए कि तुमने किया था या नहीं किया था, ठीक है ना? तो मुझे क्लास खत्म होते ही व्हाट्सएप कर देना। दीपांशु कह रहा यस सर, वेरी गुड। अभ्या बेटा आपका आ गया, अभ्या का आ गया, वेरी गुड। वंशिका रह गई भाई, वंशिका क्या हो गया बेटा, ठंड लग रही है, टाइपिंग नहीं कर पा रहे आप, अकेले आप बच्चे हो जिसका अभी तक चैट बॉक्स में आंसर नहीं आया, बाकी सारे बच्चों का आ गया। वंशिका बेटा जल्दी बताओ आप चैट बॉक्स में, आगे नहीं बढ़ने वाले जब तक आप नहीं बताओगे। यही क्लास रोक देते हैं भाई, धरना दे देते हैं यहीं पे, यही धरना दे देते हैं। कहां दिक्कत आ रही है? वंशिका बताओ भाई जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? ऐसे काम नहीं चलेगा ना भाई, आप चैट बॉक्स में भी नहीं लिख रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा, व्हाट्सएप भी नहीं कर रहे हो, कैसे काम चलेगा फिर? वंशिका बताओ भाई समझ में आया नहीं आया? यहां गला दर्द हो गया भाई, 10 बार नाम ले लिया, सारे बच्चों ने लिख दिया चैट बॉक्स में समझ में आ गया भाई। अब तुम क्लास ले रहे हो तुम लिख ही नहीं रहे हो समझ में आया नहीं आया, ये टाइपिंग नहीं हो पा रहा क्या है? चलो भाई सभी का टाइम क्यों वेस्ट करना, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बट ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी यार, ये क्या कहानी है भाई। चौथा हो गया, चलो आज वंशिका के घर आएंगे भाई, आज वंशिका के घर जाएंगे, घर जाके कॉपी चेक करते हैं ये क्वेश्चन कर रहे नहीं कर रहे क्या कर रहे हैं भाई, मुझे तो डाउट है भाई। दीपांशु और वंशिका के ऊपर मुझे डाउट है, आकाश के घर भी जाना पड़ेगा भाई, 2-3 बच्चों के घर जाके देखना पड़ेगा, घर जाके देखना ना बड़ा जरूरी है। छठा क्वेश्चन कराता हूं इनसे, ये सारे क्वेश्चन पता है मैंने होमवर्क दिए हुए थे सबका, ट्रेडिंग मैंने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 करो भाई, क्वेश्चन नंबर 6,
कौन कौन सा बच्चा कर रहा है चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दो। कौन कौन सा बच्चा आर्यन कर रहा है, ठीक है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो कौन कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है। एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है भाई, और जो ऑनलाइन देख रहा है भाई तू तो मजे ले, है ना भाई? भाई तुझे भी क्वेश्चन करने हैं, ये जो बैकअप आ रहे हैं ना बैकअप लेक्चर, ये आने बंद हो जाएंगे, क्वेश्चन कर लो फटाफट। ये मैं पॉज सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल बता रखी है, कैपिटल आपको पता ही है, बैलेंस शीट में जानी है, ठीक है ना? उसके बाद ड्राइंग्स है, फर्नीचर है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट की बात करो। एक तो स्टॉक आ जाएगा, परचेस आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी, रिटर्न हो गया, कैरेज ऑन परचेस, बस यही है ना, इधर से क्लोजिंग स्टॉक, बस और कुछ नहीं आना, ठीक। तो ये देखो ये कहां पे बनाया हमने, ये बनाया हमने ट्रेडिंग, ठीक है ना, ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, और ये सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 3,42,500 आ गए, ठीक है जी। इसके बाद क्या करेंगे आप, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद पीएनएल अकाउंट दिखाता हूं आपको, पीएनएल में क्या क्या आएगा सबसे पहले देखो, पीएनएल में आ जाएगा आपका सबसे पहले यहां पे रेंट आ जाएगा, ठीक है, जो टेनेंट से रेंट लिया 10,000, ये डाल दो पीएनएल में, ये 10,000 रुपये पीएनएल में डाल दो। कहां डाले 10,000 रुपये, या नहीं है, ये रहा रेंट, ये रहा ना 10,000 पीएनएल में। क्रेडिट, क्रेडिट में क्यों डाले भाई, क्रेडिट अकाउंट में क्यों डाले ये, क्योंकि यहां पे लिखा रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, मतलब कि हमें मिला, मैंने यही तो बोला हमें मिला, तो कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट आ जाएगा डेबिट साइड में, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा डिस्काउंट। इंश्योरेंस आएगा, इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ लिखा है, यस, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब समझे ये क्या है, प्रीपेड है ये, तो आपका 20,000, 20,000 में से कितना प्रीपेड है, 2,000, तो 20,000 में से 2,000 रुपये क्या है प्रीपेड, वो माइनस हो जाएगा, 18,000 आ जाएगा यहाँ पे। ये डिस्काउंट वाला भी हो गया, ठीक है, डिस्काउंट वाला भी हो गया हमारा। आर्यन आ रहा है समझ में बेटा, चैट बॉक्स के अंदर बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, तो हम आगे बढ़े। आर्यन कह रहा है यस सर, वेरी वेरी गुड। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, उसके बाद जनरल एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद सैलरी आ जाएगी, कमीशन आ जाएगी, बैड डेट्स आ जाएंगे, ठीक है। क्या क्या बोल दिया मैंने, मैंने आपको बोल दिया इधर से जर्नल एक्सपेंस, कमीशन, बैड डेट्स, सैलरी, है ना, ये आपको बोला है मैंने। ग्रॉस प्रॉफिट तो वहां से डाल लोगे, ये तीनों तो हो चुके हैं हमारे। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, एडिशनल में, तो एडिशनल में डेप्रिसिएशन डाल दो, ठीक है, डेप्रिसिएशन को डाल दो बेटा, ये डेप्रिसिएशन आ गया, दिया हुआ है ना, ये गिवन है हमें डेप्रिसिएशन, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, प्रोविजन, चलो जी प्रोविजन में कैसे करेंगे, 5% प्रोविजन बनाना है आपको, 5% क्या बनाना है आपको, प्रोविजन। तो वंशिका बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा, ऐसे ही करोगे मजा आ जाएगा बेटा, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। सबसे पहले ना जब भी प्रोविजन वाला, प्लीज स्टॉप राइटिंग, ध्यान से सुनो सारे बच्चे, दीपांशु जब भी ये प्रोविजन वाली ट्रीटमेंट करनी हो ना, सबसे पहले बैलेंस शीट में डेटर लिखो, डेटर कितने के, 1,80,000 के, उसमें प्रोविजन कितने का भाई, 9,000 रुपये का प्रोविजन, कितने का प्रोविजन है, 9,000 रुपये का प्रोविजन, बात समझ में आ रही है, तो ये 1,71,000 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहां तक।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो यहां पे हमने 5% क्या बनाना है, 1 मिनट, आर्यन कह रहा रिपीट करो। देखो बेटा, जब भी आपको प्रोविजन की ट्रीटमेंट करनी है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि हमें प्रोविजन बनाना है, डेटर के ऊपर प्रोविजन बनता है। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनेगा वो किसके ऊपर बनेगा, डेटर के ऊपर। कितने परसेंट बनाना है, 6%। तो हमारा डेटर कितने का है, 1,80,000 का। तो 1,80,000 का 6% निकालोगे कितना आ जाएगा, 9,000 रुपीज आ जाएगा। वो कह रहा है सर 5% दिया हुआ। हाँ, बाई मिस्टेक हो गया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। 5% निकालोगे, 5% आ जाएगा 9,000। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये 5% कितना आ जाएगा, 9,000 रुपीज आ जाएगा। ये 9,000 रुपये आर्यन क्या करोगे बेटा, यहां पे अलग से लिखोगे। अब ये देखो, इसी किताब का सलूशन है ना, अब क्यों लिख रहा है अलग से, अब बैड डेट्स के साथ क्यों नहीं जोड़ के लिख रहा है। तो भाई ये बेवकूफ बनाते हैं, बैड डेट्स अलग लिखा जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलग लिखा जाता है। दुनिया की कोई ताकत आपका आंसर गलत नहीं कर सकती। बाकी अगर कोई टीचर गलत कर दे तो समझ लेना भाई अनपढ़ गवार है, अकाउंटेंसी नहीं आती। मैं सीधे बता रहा हूं, सीधी बात है भाई, ठीक है ना। बोलने में अच्छा नहीं लगता, पर भैया अगर आप बच्चों को ऐसी एजुकेशन दे रहे हो जिसमें आपको खुद नहीं आता, आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो, मेरे हिसाब से आप टीचर ही, आपको टीचिंग करनी नहीं चाहिए, कहानी खत्म। तो भैया ये बुकिश वाले काम 10वीं तक होते हैं, बाकी 11वीं 12वीं में आके ये काम नहीं करते। अगर कोई टीचर कर रहा है भाई, पढ़ना बंद करो उससे, बुकिश वाले काम नहीं करने भाई। अब पढ़ा रहे हैं भाई टीचर, ऐसे पढ़ा रहे हैं गली मोहल्ले में पढ़ा रहे हैं ऐसे, तो भैया वही वाली बात है, ऐसे पढ़ाई नहीं होती भाई। ये कहानी समझ में आ रही है कि 9,000 और ये 8,000। आर्यन कह रहा है सर आ गया, वेरी वेरी गुड बेटा, अब तो सारा ही हो गया, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकाल लोगे, दीपांशु अभ्या वंशिका बेटा निकाल लोगे। वंशिका ने देखो मेरे को भेजा है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, बहुत बढ़िया वंशिका, बहुत बढ़िया बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट आपका बिल्कुल सही आया, बहुत बढ़िया। अभी मेरे को यहाँ पे बता दो, सारे बच्चे समझ में आ गया या नहीं। आर्यन को आ गया भाई। बैलेंस शीट बना लोगे ना सारे, बैलेंस शीट तो इजी होती है, बैलेंस शीट तो बहुत इजी है। देखो जो भी चीज यहाँ पे प्लस कर रहे, अगर आपने यहाँ पे कुछ प्लस किया है भाई, वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा। जो भी आप यहाँ पे प्लस करते हैं वो लाइबिलिटी साइड में जाता है, और जो यहाँ माइनस करोगे वो एसेट साइड में जाएगा। सीधी बात है भाई, जैसे प्रीपेड वाला देखो, ये माइनस किया है ना, ये एसेट साइड में मिलेगा आपको प्रीपेड, और वो प्लस किया था वो देखो यहाँ मिलेगा। आ रही बात समझ में। डेप्रिसिएशन देखो लेस होता है, वो यहाँ पे आ रहा है एसेट साइड। तो ये अकेले आर्यन को समझ में आ गया है, बाकी दीपांशु और अभ्या और वंशिका बेटा चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। दीपांशु को आ गया, अभ्या अभ्या बेटा आया या नहीं। चले आगे, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा, आपके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है ये। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरी जो बैकअप क्लासेस है उसका कोई बेनिफिट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। आप प्रैक्टिस करो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ये नवंबर का महीना तो खत्म हो रहा है, वो कहानी अलग है। दिसंबर और जनवरी, अगर 2 महीने आप ढंग से पढ़ लोगे, मैं आपको अकाउंट्स में 95 मार्क्स दिला सकता हूँ। 95 मतलब 95%। 2 महीने पढ़ाई कर लोगे, ज्यादा दिक्कत है भाई मेरे पास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास आ जाओ आप, मैं गारंटी दे रहा हूं आप एक्सपर्ट हो जाओगे अकाउंटेंसी। अभ्या दीपांशु और आर्यन को समझ में आ गया है, वेरी वेरी गुड। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसको। तो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन, अगला ही क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करो जी फटाफट, ट्रेडिंग बनाओ, पीएनएल बनाओ, फटाफट बनाओ स्पीड में जल्दी से। चलो कौन कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है चैट बॉक्स में एक बार बता दो। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, क्वेश्चन खुद से कर रहे हो, देखो मजा आ रहा होगा आपको, खुद से क्वेश्चन करोगे तो मजा आएगा आपको करने में। चैट बॉक्स में मुझे बता दो कौन कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है।
देखो मेहनत करोगे ना, ऊपर वाला भी आपको देख रहा है, गॉड भी आपको देख रहा है, भगवान भी देख रहे हैं कि भाई ये बच्चा मेहनत कर रहा है, आर्यन कर रहा है, दीपांशु कर रहा है, भाई किसी से डर लगता है नहीं लगता, अपने आप से तो डरो, ईमानदारी से काम करो यार, पढ़ाई तो ईमानदारी से करो आप लोग। अभी देखो जिन बच्चों ने मुझे चैट बॉक्स में भेजा मुझे कितना अच्छा लगा, जो बच्चे ये रिकॉर्डेड देख रहे हैं अगर वो भी मुझे मेरी क्लास रिकॉर्डिंग वाली देखने के बाद ये भेजेंगे, मुझे ये सारे क्वेश्चन करके मुझे भेजेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा भाई, मुझे भी खुशी होगी। अब मैंने जो बच्चे जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया अकाउंटेंसी 12th क्लास 100 मार्क्स बच्चों के आ चुके, इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स बच्चों के आ चुके, बिजनेस में मेरे ख्याल से 98 हाईएस्ट है, बिजनेस के अंदर 98। भाई इस तरीके से आप पढ़ाई तो करो अपनी, ठीक है जी। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं भाई, आप लोगों से भी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस तरीके से वीडियो को पॉज करके आप लोग भी क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप लोग लेक्चर भी देख रहे हैं और आप लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, दीपांशु, वंशिका और आर्यन, बेटा मैं बताने जा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है जी, तो कैपिटल हो गई, बैलेंस शीट में जाएगी, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, फर्नीचर, बैलेंस शीट, सेल्स, ट्रेडिंग, परचेस, ट्रेडिंग, रिटर्न, ये कौन सा रिटर्न लिखा है, हाँ ये परचेस रिटर्न है लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये परचेस रिटर्न है, तो ये कहां परचेस में से माइनस हो जाएगा, रेंट पीएनएल, सैलरी पीएनएल, बैड डेट्स पीएनएल, डेटर, हाँ जी, बैलेंस शीट बीपी, बैलेंस शीट एडवर्टाइजमेंट पीएनएल, पेटेंट बैलेंस शीट एसेट साइड, पेटेंट हमारे एसेट्स होती है, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, परचेस ट्रेडिंग, इंश्योरेंस पीएनएल, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस, ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल, वेजेस ट्रेडिंग, 6% इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वंशिका ने पीएनएल भी भेज दिया भाई, क्या बात है, वेरी वेरी गुड वंशिका, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मजा आ गया यार, आपने तो कमाल ही कर दिया वंशिका, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्रेडिटर, बैलेंस शीट, कैश कहां पे आ जाएगी, दिल खुश हो गया बेटा, कैश, बैलेंस शीट, मिसलिनियस रिसीप्ट, पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट साइड, ठीक है। चलो आंसर दिखाता हूं आपको मैं, मैंने यहां पे डाउनलोड तो कर लिया है क्या, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप कर दिया ग्रुप के अंदर, तो मैं एक बार आंसर भी आपको दिखा देता हूं, यहीं से दिखा दूं आंसर, चलो यहीं से देख लो, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ठीक है, ट्रेडिंग का आंसर तो सभी का सही आ गया, ट्रेडिंग में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, पीएनएल में आ गए, पीएनएल में मुझे बताओ रेंट, रेंट में कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, सैलरी में, सेवंथ क्वेश्चन का क्या, सैलरी आपको आउटस्टैंडिंग बता रखी है 2000 रुपए, अब ये प्लस किया ना यहाँ पे 2000, तो ये आपका कहां पे आ जाएगा, बैलेंस शीट में भी आ जाएगा 2000 रुपए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, अब देखो बैड डेट्स की जैसी कहानी आती है, आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फदर बैड डेट्स हो गए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फदर बैड डेट्स हो गए 5000 के, साथ में प्रोविजन बनाना है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में देखो आपका डेटर कितने का है, 40000 का डेटर, 40000 में से फदर बैड डेट्स माइनस कर दो 5000 के, तो कितना हो गया आपके पास 35000, 35000 के ऊपर बेटा 35000 के ऊपर 5%, 35000 का 5% कितना आएगा 1750, और उसके बाद इसका 2% निकालोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मैंने बताया था ना आपको ये सीक्वेंस, मैंने आपको बताई थी, तो ये सीक्वेंस मैंने सारे बच्चों को बता रखी है, जब भी डेटर की ट्रीटमेंट आ जाए तो इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना, इसी तरीके से आप लोगों को बनाना है, बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, हाँ जी।
कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। नो सर, वेरी वेरी गुड। तो बेटा ये जो बैड डेट्स है ये बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा। प्रोविजन प्रोविजन के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डिस्काउंट के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। आ जाओ देखते हैं यहाँ पे। तो बैड डेट्स हमारे देखो फदर ऐड हो जाएंगे। हम लोग 6,000 रुपए बताएंगे, पहले के बैड डेट्स 1,000, फदर कितने 5, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6,000 रुपए का बैड डेट्स। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलग से दिखा दो बाहर, 1750। वंशिका का देखते हैं, वंशिका ने क्या किया भाई। ये क्या बात है वंशिका, आपने तो बुक वाला कर दिया भाई, बुकिश किया आपने। वंशिका क्या बेटा आपने देख के किया, क्योंकि मैंने तो अभी बताया था आपको कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलग से दिखाओ आप तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहे हो। बिल्कुल सेम आपने एज इट इज आपने दिखाया, कोई चेंज नहीं है बेटा, कोई चेंज नहीं है। अब मुझे बताओ आप देख के कर रहे हो बिना देखे कर रहे हो। देखो मुझे कैसे पता लगेगा आप देख के कर रहे हो बिना देखे, क्योंकि मैंने तो यहां मैंने मैंने आपको बोला है बैड डेट्स अलग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलग। बेटा ये तो किताबी टीचर पढ़ा देते हैं ऐसे, किताब का सोल्यूशन देखा पढ़ा दिया बच्चे को, और बच्चे भी इसी तरीके से। मैं नहीं सिखा रहा बेटा इस तरीके से, जो बच्चे रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, मैं नहीं सिखा रहा आप लोगों को इस तरीके से। बैड डेट्स में अलग करो, बैड डेट्स को अलग ऐड करके दिखा दो 6,000, ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अलग से दिखा दो 1750। आर्यन समझ में आया या नहीं आया, आर्यन मुझे बता दो बेटा समझ में आया या नहीं आया। बाकी जो ये बच्चे क्लास नहीं ले रहे, जैसे आप देख रहे हो खुशी क्लास में नहीं है, अभ्या नहीं है, बेटा खुशी मैरिज में गई हुई है और अभ्या की मैथ की क्लास है, ठीक है। प्रियांशु भी मैरिज में घूम रहा है, शादी में, तो शादी का सीजन है भाई, बच्चों की अपसेट चल रही है। वो तो ये बढ़िया है कि हमारी बैकअप क्लास है। यस सर, तो आर्यन कह रहा है समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। उसके बाद बेटा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाया है, उसको भी आप लिख दो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वो अलग से दिखा दो। ये सब कुछ अलग से दिखाना, ठीक है। इंश्योरेंस हो जाएगा, ट्रेड एक्सपेंस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे, ये 50,000 रुपये, ये जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था यहाँ पे, आपने 6% इन्वेस्टमेंट किया था 50,000 का वंशी का, तो बेटा 50,000 का 6% कितना आता है, 50,000 का 6% निकालो कितना आता है, 3,000 रुपये आता है। अब 3,000 रुपये आप मुझे बताओ आपने इन्वेस्टमेंट कब किया है, 1 जुलाई को, और अभी तक आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब कि एक्रूड इंटरेस्ट है। आपको लिखना था एक्रूड इंटरेस्ट, क्या लिखना था, एक्रूड इंटरेस्ट। अब वंशिका बेटा आपने सेम लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एक्रू ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने सेम वर्डिंग लिखी है, मैंने सिखाया है एक्रू इंटरेस्ट लिखना, आप एक्रू इंटरेस्ट लिखो, ये तो बुकिश हो गया। तो 9 महीने का इंटरेस्ट आएगा 2250, मैं लिख के आऊंगा एक्रू इंटरेस्ट। ये सेम एक्रू इंटरेस्ट कहां पे आएगा। हाँ उज्जवल बेटा अभी क्लास चल रही है बेटा, तबीयत कैसी है आपकी पहले तो आप ये बता दो। अरे यार मैं बस अभी क्लास खत्म होके आपसे बात करता हूँ, आप मेरे को ऐसा करो आधे घंटे में कॉल करो, ठीक है। ओके टेक केयर। ये देखो ये होता है बेटा, बच्चा पढ़ने वाला बच्चा होता है, आप समझ रहे हो स्कूल में। ये क्या कह रहे हो वंशिका, सर आज बुक ही नहीं है मेरे पास, सर स्कूल में कराया था ऐसे। ये वंशिका स्कूल स्कूल में ये चैप्टर हो गया तुम्हारा, स्कूल में फाइनल अकाउंट करा दिया भाई। स्कूल वाले कौन सी गाड़ी पकड़े हुए, देखो चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पर मैंने तो आपको ऐसे नहीं सिखाया ना, स्कूल में ऐसे कराया था, मैं तो नहीं सिखा रहा आपको, मैं तो नहीं सिखा रहा आपको ऐसे करना है आपको। और आप मुझे कॉल करो क्लास के बाद, अभी क्लास खत्म होगी वंशिका, आप मुझे कॉल करो बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको मैंने इतने व्हाट्सएप कर रखे हैं, देखो एक भी बार बच्चे ने कॉल ही नहीं किया, बताओ ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा भाई। आर्यन पीएनएल बेटा, पीएनएल हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट हो जाएगा, बताओ मुझे। आर्यन दीपांशु वंशिका बेटा पीएनएल अकाउंट बना लोगे अब, चले आगे चले।
चैट बॉक्स। आर्यन कह रहा है सर हो जाएगा, वेरी वेरी गुड। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बना लोगे? आर्यन दीपांशु भी कह रहा है यस सर। बैलेंस शीट बना लोगे? यस सर। तो बेटा आज जितने क्वेश्चन किए हैं कल सुबह 8 बजे तक, कल सुबह 8 बजे तक मेरे पास आ जाना चाहिए। और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, कल फाइनल अकाउंट की लास्ट क्लास होगी बेटा, फाइनल अकाउंट की कल लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं जी कल।